नाजरीन, ड्रामा सीरियल खईक आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जमदा अब अपाना का इस्तेमाल करेगी। जमदा तो अपाना से पहले ही मिलेगी और बताएगी कि तुम्हारी शादी अब बरला से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि
चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान
बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं,
पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए
बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चिनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि
चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान, बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान, बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान, बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा के चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान, बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान
बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, आप देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाजरीन, आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाजरीन, क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी या बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा, अपाना के पास आएगा, तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाजरीन, आप देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं,
पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तुम्हारी शादी अब बरलाज से होगी और तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। तुम्हें बहुत जल्द ये इत्तला मिल जाएगी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल से चनार खान और दुरा बाबा को रजामंद किया है। और शादी के बाद जब बरलाज बहुत खुश होगा अपाना के पास आएगा तो बरलाज अपाना से कहेगा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि मैं तुमसे शादी किए बिना ही मर जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन है। तो नाज़रीन अब देखेंगे अपाना बरलाज से कहेगी, मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं, पामीर को कत्ल करके जो गलती तुमने की है वो नाकाबले माफी है। तो नाज़रीन आप देखेंगे अपाना और बरलाज दोनों बादशाह खान और बख्तावर के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के माफी मांगेगा बरलाज अपने चची और चचा से, मगर वो इन्हें माफ नहीं करेंगे। बादल खान बदला लेने की आग में भड़क रहा है, वो तो वापस आ जाएगा और चाहेगा कि चनार खान की इन खुशियों को मातम में बदल दे। तो नाज़रीन क्या बादल खान बरलाज खान या चनार खान में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार नाकाम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।